हेलो गाइस, कैसे हो सब। द इन्फिनिक्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं NBE जूनियर असिस्टेंट के एक्सपेक्टेड कटअप के बारे में, साथ ही साथ NBE के स्किल टेस्ट के बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं, और साथ ही साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि NBE जूनियर असिस्टेंट का रिजल्ट जो है वो कब तक आने की संभावना है। ठीक है गाइज़, तो गाइज जो भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ सारे जेन्युइन इन्फॉर्मेशन है। ठीक है गाइज़, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें गाइज, आपको डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज, जैसा कि आप सभी को पता है, NBE का जो प्रोसेस है, एग्ज़ाम कंडक्ट कराने का जो प्रोसेस है वो काफ़ी फास्ट है। आप जैसा कि आप सभी को पता होगा, 31 अगस्त को इनका एग्ज़ाम कंडक्ट हो चुका है, और क्वेश्चन का लेवल जो है काफ़ी ईजी था। ठीक है, तो कटअप भी काफ़ी हाई होने वाले हैं। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं सबसे पहले कटअप के बारे में, उसके बाद बात करेंगे स्किल टेस्ट के बारे में। ठीक है गाइज़, गाइज जैसा कि आप सभी को पता है कि NBE जूनियर असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम हुआ था वो काफ़ी ईजी लेवल का था, ऑलमोस्ट ईजी टू मॉडरेट लेवल का था। ठीक है, और कटअप जो है वो काफ़ी हाई होने वाला है। क्यों हाई होने वाला है? क्योंकि सीट जो है मात्र 57 है। हाँ, ये बात अलग है कि स्किल टेस्ट के लिए बहुत सारे कैंडिडेट जाएंगे लेकिन उसमें छट जाएंगे। ठीक है, लेकिन फाइनल कटअप जो बनने वाला है वो 170 से नीचे नहीं बनने वाला है। इसीलिए अगर आपका स्कोर 170 प्लस आ रहे हैं, ठीक है गाइज, अगर आपका स्कोर 170 प्लस आ रहा है तो आप डेफिनेटली स्किल टेस्ट की तैयारी कर सकते हो। अगर उससे नीचे आपके स्कोर आ रहे हैं तो भी कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि कोई ना कोई एग्जाम में तो काम आ ही जाएगा। ठीक है गाइज, तो चलिए गाइज बात कर लेते हैं गुड अटेम्प्ट्स के बारे में, कि आपको कौन कौन सब्जेक्ट में कितना अटेम्प्ट करना चाहिए था। ठीक है, देखिए मैथ में अगर आपने 40 से लेके 45 के बीच में अटेम्प्ट किया है तो आपका अच्छा स्कोर है। रीजनिंग में आपका 45 से 46 के बीच में अच्छा स्कोर है। इंग्लिश में 42 से 45 और GS में 35 से 40, इन सभी के बीच में अगर आपका स्कोर आ रहे हैं तो आपका स्कोर जो है वो तो आपका स्कोर जो है वो काफ़ी अच्छा स्कोर है। ठीक है गाइज, और गाइज ओवरऑल अगर आपके 170 प्लस आ रहे हैं तो आप आसानी से सेलेक्ट हो सकते हो। ठीक है, और मेरी सलाह यही है कि आप अभी से स्किल टेस्ट की तैयारी करना शुरू कर दें। ठीक है गाइज, और जो भी ST SC OBC है वे 5 नंबर ± कर सकते हो। ठीक है गाइज, 5 नंबर ± कर सकते हो। गाइज अगर आप ST SC या OBC कैंडिडेट से बिलोंग करते हैं तो 170 से ± 5 नंबर अगर आपके आ रहे हैं तो आप तैयारी कर सकते हो। ठीक है गाइज, ±5 नंबर। ठीक है, अगर 5 नंबर आपका कम भी है तो आप तैयारी कर सकते हो स्किल टेस्ट के लिए। ठीक है गाइज, तो चलिए अब बात कर लेते हैं स्किल टेस्ट कैसा होता है। देखिए गाइज, स्किल टेस्ट जो है काफ़ी सिंपल होता है। आपको तीन चीज़ पूछे जाते हैं स्किल टेस्ट में। सबसे पहला क्या है, MS वर्ड, फिर MS एक्सेल, फिर MS पावर पॉइंट। क्लियर है गाइज, और साथ ही साथ आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी रहते हैं। क्लियर है, साथ ही साथ आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मिलते हैं, साथ ही आपको कंप्यूटर रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मिलते हैं। ठीक है गाइज, तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मिलेंगे कुछ ना कुछ। तो गाइज देखिए, MS वर्ड में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लेटर या कोई भी पैसेज दिया रहेगा, आपको उसको टाइप करके MS वर्ड में सेम टू सेम लिखना है। क्लियर है गाइज, MS एक्सेल में क्या करना है, MS एक्सेल में आपको एक बेसिक सा फॉर्मूला दिया रहेगा, जैसे कि किसी किसी में सम रहेगा या किसी में मल्टीप्लाई रहेगा, आपको उन सभी चीज़ों को एनालाइज करना है और उसको आंसर करना है। ठीक है गाइज, और आपको अप्रोप्रिएट फॉर्मूला को अप्लाई करके आंसर लाना पड़ेगा। और MS पावर पॉइंट में आपको प्रेजेंटेशन बनाने दिया जाएगा, और उस प्रेजेंटेशन को आपको जिस तरह से कहा जाएगा, जिस तरह से आपको इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे उस तरह से आपको प्रेजेंटेशन को बनाना है। ठीक है गाइज, तो हालांकि स्किल टेस्ट में टाइपिंग का भी टेस्ट होता है लेकिन इसमें टाइपिंग के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, तो हो सकता है टाइपिंग इसमें नहीं लिया जाएगा, लेकिन थोड़ा सा टाइपिंग आपको होना चाहिए क्योंकि वर्ड पावर पॉइंट चलाने के लिए आपको थोड़ा सा टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। ठीक है गाइज, तो ये तो रहा स्किल टेस्ट के बारे में, और बात कर लेते हैं एग्ज़ाम डेट के बारे में। तो गाइज देखिए, एग्ज़ाम डेट जो है इनका कोई भी अभी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन मैं आपको एक ही बता देना चाहता हूँ कि जिस तरह से NBE इतना फास्ट कर रही है, मुझे नहीं लगता है कि रिजल्ट देने में कोई भी देरी करेगी। ठीक है, तो आप अपनी तरफ से पूरी तैयारी रखो। तो स्किल टेस्ट से रिलेटेड जो भी डाउट या क्वेरी है आप कमेंट्स में कमेंट कर सकते हो, तो मैं आपको ज़रूर हेल्प करने की कोशिश करूँगा। ठीक है गाइस, तो इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।